पुनर्निर्माण का कार्य हो या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। कारण है एक यशस्वी नेतृत्व देश के को वर्तमान में निरंतर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके बिना भेदभाव के पूरी ऊर्जा को देश के लिए, उन कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ है, जिसको लेकर के 1920 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जेल की यातना भी सहन की थी। और भाइयों बहनों, आज हम सब उसी स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में अपने आजादी के अमृत काल के इस द्वितीय वर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए उनकी पुनर्स्थापना के कार्यों के साथ जुटे हुए हैं, सजे हुए हैं। आप सभी लाखों श्रद्धालुओं की यहां पर उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से इस धाम के लोकार्पण के इस भव्य आयोजन के अवसर पर और इस ज्ञान महायज्ञ के साथ साथ जो यहां पर आज यज्ञ 25,000 कुंडीय महायज्ञ का भी आयोजन है, इस सब के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब समय है स्वर वेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण के लोकार्पण के लिए, शिलापट के अनावरण का। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें और इसका लोकार्पण करें। शिलापट का अनावरण हो रहा है, लोकार्पण संपन्न हुआ स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका काशी को एक और उपहार देने के लिए। हम सब का सौभाग्य है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में एक आस्थावान, निष्ठावान, जन कल्याण के लिए समर्पित आध्यात्मिक व्यक्तित्व मिला है, जिन्होंने सनातन संस्कृति के गौरव को और बढ़ाया है। और वास्तव में जो एक कर्मयोगी ही हैं, ऐसे आध्यात्मिक अवसरों पर उनके उद्बोधन को सुनना एक दिव्य अनुभूति देता है और चिंतन और मनन को एक दिशा भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस आध्यात्मिक कुंभ में अपनी अमृतवाणी से हमें कृतार्थ करें। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी महेंद्रनाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई अनिल जी, सद्गुरु आचार्य पूज्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, पूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, अन्य महानुभाव, देश भर से पधारे सभी श्रद्धालुगण और मेरे परिवारजनों, काशी प्रवास का आज मेरा ये दूसरा दिवस है। हमेशा की तरह काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है,
अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा, दो वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की यह यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। मैं इस अवसर पर महर्षि सदाफल देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रति मेरे हृदयस्थ भावों को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करता हूं। मैं उनकी गुरम परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्रमुग्ध हो गया था। स्वर्वेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था इसकी दीवारों पर स्वर्वेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं। इसलिए
ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मैं इस अद्भुत आध्यात्मिक निर्माण के लिए सर्वेद महामंदिर ट्रस्ट को और लाखों लाखों अनुयायियों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं पूज्य स्वामी जी स्वतंत्र देव जी और पूज्य श्री विज्ञान देव जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूरा किया। मेरे परिवारजनों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की। हमने काशी जैसे जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों का आशीर्वाद लिया। हमने कोणार्क जैसे मंदिर बनाए। हमने सारनाथ और गया में प्रेरणादायी स्तूपों का निर्माण किया। हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसलिए भारत की इन आध्यात्मिक संरचनाओं के इर्द गिर्द ही हमारी शिल्प और कला ने अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। यहां से ज्ञान और अनुसंधान के नए मार्ग खुले। उद्यमों और उद्योगों से जुड़ी असीम संभावनाओं का जन्म हुआ। आस्था के साथ साथ योग जैसे विज्ञान फले फूले और यहीं से पूरे विश्व के लिए मानवीय मूल्यों की अविरल धाराएं भी बही। भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। लेकिन भाइयों और बहनों, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो एक अभियान बन गया है।
आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। साथियों, हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देता है। काशी विश्वनाथ धाम ये परिसर का निर्माण हुए पिछले सप्ताह ही 2 साल पूरे हुए हैं। इसके बाद से बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था, यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है। वाराणसी में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पुराने के साथ ही नए क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। बनारस में रेलवे स्टेशनों का विकास हो, बनारस से नई नई ट्रेनों की शुरुआत हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हो, एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो, गंगा जी पर घाटों का पुनर्निर्माण हो, गंगा में क्रूज चलाना हो, बनारस में आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो, नई और आधुनिक डेयरी की स्थापना हो, गंगा किनारे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद हो, हमारी सरकार यहां के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। बनारस के युवाओं के कौशल विकास के लिए यहां ट्रेनिंग संस्थान भी खोले गए हैं। सांसद रोजगार मेले के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। भाइयों और बहनों, इस आधुनिक विकास का जिक्र मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की भी होती है। जैसे कि बनारस आने वाले यात्री शहर से बाहर बने ईश्वर मंदिर में जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़कें न होती
तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्वरवेद मंदिर बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा। इससे आसपास के सभी गांवों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर बनेंगे, लोगों की उन्नति के रास्ते खोलेंगे। मेरे परिवारजनों, विहंगम योग संस्थान जितने हमारे आत्मिक कल्याण के लिए समर्पित है, उतना ही समाज की सेवा के लिए भी सक्रिय रहा। यही सदाफल देव जी जैसे महर्षि की परंपरा भी है। सदाफल देव जी योगनिष्ठ संत होने के साथ ही आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आज आजादी के अमृतकाल में उनके संकल्पों को आगे बढ़ाना उनके हर एक अनुयायी का दायित्व है। मैं पिछली बार जब आपके बीच आया था तो मैंने देश की कुछ अपेक्षाएं भी आपके सामने रखी थी। आज एक बार फिर मैं आपके सामने नौ संकल्प रख रहा हूं, नौ आग्रह रख रहा हूं। और अभी मुझे विज्ञान